गाइज वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स आज दो बड़ी खबर हम आपके लिए लेके आए हैं। पहली जो बड़ी खबर है, जैसे कि आपको पता है कि कल उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है, जिसका इंतज़ार कई सालों से कैंडिडेट कर रहे थे। जी हाँ, बड़ी खबर है कि 29,000 परीक्षार्थी देंगे पुलिस परीक्षा। तो देहरादून में जो है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है इसके परीक्षा देंगे। उसके अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी कैंडिडेट्स परीक्षा देंगे 413 केंद्रों पर, जहां पर कितने कैंडिडेट्स हैं इसको लेकर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया है, उसकी स्नैपशॉट हमने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर की है। तो आप ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो बड़ी खबरें हैं जो आपको नहीं करनी है और सावधानी जो है पूरी बरतनी है परीक्षा देते समय, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंसिल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल वर्जित होगा, यानी कि आपको पेंसिल का भी इस्तेमाल नहीं करना है। यदि प्रवेश पत्र पर अभ्यर्थी की फ़ोटो और हस्ताक्षर नहीं है तो परीक्षा केंद्र नियंत्रक को दो फोटो और पहचान पत्र देने होंगे। यानी कि लगभग मान लीजिए किसी के कैंडिडेट की जो फ़ोटो है वो सही नहीं आ रही, तो वो यहाँ पर दो फोटो और अपनी आईडी दे सकता है। उसके अलावा जबकि पेंसिल का प्रयोग वर्जित रहेगा, तो पेंसिल आपको नहीं इस्तेमाल करना है। उसके अलावा धारा 144 लागू रहेगी जब तक यहाँ पर जो है जी सेंटर पे एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पर। उसके अलावा जो बड़ी खबर दूसरी है कि साथ ही अभ्यर्थियों की जांच पुलिस के द्वारा की जाएगी। कि गौरतलब है कि प्रथम चरण में शारीरिक परीक्षा उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा कराई गई थी, लेकिन आयोग की परीक्षाएं विवादित होने के कारण अब ये परीक्षा जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग और भी यहाँ पर जो है पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर तलाशी ली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार यहाँ पर जो है पुलिस विभाग भी अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रहा है। बाकी जो मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट का एमसीक्यू हमने कल ही अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। तो पूरा पीडीएफ हमने, हालांकि ये पूरा जो है 20 जो सेट है और 5 सेट हमने ऑलरेडी अलग अलग जो है अपलोड कर दी है, और 15 सेट का एक कॉम्बिनेशन लास्ट तैयारी के लिए हमने अपलोड करके रखा है अपने चैनल पे। तो ज़रूर विजिट करें टेलीग्राम पे, पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, वो है रोडवेज में, जहाँ पर आपको जो है ओपनल और पीआरडी के माध्यम से नई भर्ती आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि रोडवेज में अक्षम ड्राइवरों और कंडक्टरों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की कार्रवाई अंतिम चरण में है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए जो है रोडवेज विभाग ड्राइवर कंडक्टरों की सेवानिवृत्ति करने के बाद यहाँ पर जो है कि कोई काम जो है अफेक्टेड ना हो, इसके लिए जो है उपनल और पीआरडी कार्यालय से कार्मिकों की डिमांड की जाएगी। बताया कि लिपिकों की डिमांड उपनल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की डिमांड की पीआरडी से की जाएगी। उन्होंने सभी मंडली के प्रबंधकों को आदेश दे दिया है कि रिक्त पदों की समीक्षा कीजिए और जल्द से जल्द इसके लिए जो है पीआरडी और उपनल के माध्यम से भर्तियां की जाएं। और इसके साथ ही सभी सक्षम परिचालकों से बस परिचालन का ही काम लेने को कहा है कि इसमें शिथिलता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आपको बहुत जल्द रोडवेज में भी आपको जो है ग्रुप डी यानी कि और उसके अलावा बस ड्राइवर और कंडक्टर्स की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो बाकी आपकी क्या राय है इन दोनों खबरों पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।